ಶಾಂತಾಮಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 24 ಡಿವೈನ್ ಲೈವ್ಸ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಕುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಶ್ರೀ ಯಶ್ವಲ್ ಶರ್ಮಾರವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಾಮಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡದವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಾಂತಾಮಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವು ಜೈನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 24 Divine Lives ಎಂಬ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ 9 ದಿನಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 24 Divine Lives ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಔತಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 24 ಪೂಜ್ಯ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಋಷಭನಾಥರಿಂದ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರಿಗೆ ಶಾಂತಾಮಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೇಟ್ ಅವರು ಈ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಕುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा अभी मुंबई से आया हूं और इनकी एग्जीबिशन देखने आया हूं अविनाश काटे जी की. और ये जो चित्रकला परिषद में लगी हुई एग्जीबिशन जैन तीर्थंकरों के ऊपर इन्होंने अहिंसा परमो धर्म को एक बनाया है मेन, और नेचर के साथ उनकी सारी क्या क्या रिलेशन है 24 तीर्थंकरों के बारे में सारा डिटेल में बताया है पेंटिंग के ज़रिए. और सबसे बड़ी कमाल की बात, अहिंसा परम धर्म जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी की, तो अहिंसा की ज़रूरत है. हम देख रहे हैं इज़राइल फिलिस्तीन के जो युद्ध है, कोई भी मरे, कहीं का भी मरे, आम इंसान मर रहा है, बच्चा मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है वो मर रहे हैं. ये हमको नहीं कहना चाहिए कि वो अरे हिंदू मरे, अरे मुसलमान मरे, अरे उधर के मरे, यहूदी मरे. ये सब बेकार की बातें हैं, जात पात धर्म और राजनीति की बातें हैं ये, जो अपना उल्लू सीधा करते हैं. हमारा मानना ये कि कोई भी मरा हो, वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम मानते हैं, पूरी दुनिया अगर एक परिवार है, तो दुनिया में कोई भी कहीं अगर कोई मरता है तो वो हमारा परिवार का एक हिस्सा मरता है. तो इसलिए अहिंसा की आज बहुत ज़रूरत है इस वक्त. जो अपने हमारे अंदर जो हिंसा समा गई है ना, जो वायलेंस हमारे अंदर घुस चुकी है इस वक्त, छोटी छोटी बातों पर ही हम उखड़ पड़ते हैं एकदम से, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जात पात की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, हम एकदम से आज उग्र हो चुके हैं. मतलब हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है. यहाँ पर सारे धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, है ना, सारे धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, और सारे धर्मों की किताबों में, चाहे वो हिंदुज़म गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, सारी किताबें पढ़ी हैं, और महात्मा गांधी की मूर्ति रखी है साथ में. आप देखिए इनमें से कौन सा धर्म ऐसा है जो आपको ये बताता है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे हैं, कोई नहीं कहता. तो इसलिए वो महानता, वो चीज़ हमको अचीव करनी है कि हम अच्छे हैं, ठीक है, वी आर प्राउड टू बी हिंदू, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी जात पात गलत हैं, धर्म गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको सबको उतना सम्मान देना चाहिए. जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो ठीक है उसको ठीक बोलना चाहिए. मुझे लगता है कि यही हमको सिखाया है, सत्य अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी जी ने भी यही पढ़ाया है. और मैं
मैं मतलब अविनाश काटे जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने ये तो बोल रहे हैं कि आपने टाइम निकाला, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छी एग्जीबिशन और इतने अच्छे विचारों का एक कला प्रदर्शनी मैं देख पा रहा हूँ इनके ज़रिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश काटे जैन यूनिवर्सिटी शांतामणि कला केंद्र में डीन पद पर कार्यरत हूँ। हमारे दूरदृष्टा युगदृष्टा चेयरमैन जैन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर चेंद्रराज रॉयचंद जी और विशाल जी, इनके मार्गदर्शन में मैंने स्थूल रूप में 24 तीर्थंकर के लाइव पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। इसका हमारा एक ही मकसद है कि ज्ञान के साथ विद्या भी लोगों तक पहुँचे। इसमें हमने दर्शाया है अहिंसा परमो धर्म, जो आज बहुत ज़रूरत है, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। आज का समय आप देख रहे हैं कि हर तरह अफरा तफरी मची हुई है और हर जगह एक दूसरे को हर कोई दबाने में या मारने में तुला हुआ है। कोई भी अपने मेहनत से आगे जाना नहीं चाहता है, हर किसी को झूठ बोल के हिंसा करके आगे जाना चाहता है। तो हमारा एक ही मकसद है कि आप अहिंसा को अपनाइए। अगर अहिंसा को अपनाएंगे तो आने वाला समय आपको सही में स्वर्ग सा जैसा बनेगा, नहीं तो ये पृथ्वी बहुत जल्दी ही नष्ट होने के कगार पर दिख रही है। ऐसे बहुत सारे चिन्हित आपको दिख रहा है, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हमास का युद्ध हो रहा है, तो हर कोई किसी को मारने पर तुला हुआ है। तो जो भारत में इन महापुरुषों ने हमें दिया है अहिंसा अहिंसा अहिंसा, इसका एक छोटा सा उदाहरण हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर की हमने जो मूर्तियाँ बनाई हैं, तो इसमें हमने उन्होंने जो कलर विकसित किए थे अपनी साधना से, वो दर्शाया गया है।